सत श्री अकाल पाजी। देखा सरप्राइज दे दिया ना आपको। और अच्छा कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा। अभी अभी मैंने फ़ोन किया था, ऐसे बात की कि मेरे घर पे हो और आप भी नहीं नोटिस कर सके कि ये बंदा है कहाँ। जो है यार थ्रोटल भी नहीं छोड़ूंगा और इसका क्लच भी नहीं पकड़ा। देखना ये देखो थ्रोटल भी पूरा और ये देखो क्लच भी नहीं पकड़ा, ठीक है ना। ये मज़ा है यार इसका ना, बंदा थकता ही नहीं है यार। बस एक जगह हाथ बस वो ये टिका के रखो और बस खींचते चलो जितना आप हो सकता है। चीज के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं गुरजीत भाई के पास जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट या डिस्कशन है। एक्चुअली आप लोग भी सोचते होंगे कि जनवरी में कोई सरप्राइज आने वाला था, वो अभी तक आया नहीं है। क्योंकि गाइज ये जो सरप्राइज है ये यार इतने इजी नहीं होते हैं लाने। एक जो मिडिल क्लास बनता है ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको एक अच्छी चीज मिले और एक वो ये जनरल चीज मिले। सबसे मेन क्या होती है गाइज? लक्ष्मी, ठीक है। अगर ना आपके पास अच्छी खासी लक्ष्मी है ना तो फिर आप ना जो जो कुछ मर्जी चाहो ले सकते हो। बट अभी मेरे पास, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। बस आप लोग मेरे को प्यार दिखाओ ताकि हम लोग ना अपने मनी से भी ले सकें बाइक। बट फिर भी ना आप लोगों का सीरियसली बहुत सपोर्ट है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग एक्स मोस्टर व्लॉग्स और आपके भाई का नाम है मुशरफ। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड विद टुडे व्लॉग। और आज का व्लॉग एक बहुत ही अमेजिंग सा कंटेंट रहने वाला है क्योंकि गाइस आज करीबन मैं वो 20 दिन के बाद ना आज मैं व्लॉग बनाना, मतलब व्लॉग मैं बना रहा हूँ। और आप सब लोग ना मेरे को ऐसी सपोर्ट और प्यार मेरे को दिखाते हैं। और इतने सारे भाई लोग मेरे को कमेंट करते थे कि मुशरफ भाई आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। उसका भी कुछ रीज़न था क्योंकि यू नो के घर पे कभी कभार कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ, मतलब बिजी था यार ऑल ओवर बना के मैं। बट द थिंग इज डैट कि आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ गाइस पठानकोट से। और आज ना एक सरप्राइज विजिट होने वाली आरपीएम में। एक्चुअली में मैंने अपने भाई को नहीं बताया कि मैं आ चुका हूँ पठानकोट में और उनको भी नहीं पता। सो उनको भी सरप्राइज देते हैं। और गाइज आज एक ना प्रॉपर वाला रिव्यू मैं देने वाला हूँ R15M का। ये देख लो मेरे पीछे खड़ी है। एक्चुअल में ये बाइक ना मेरे पास है वो यार कल से ये बाइक मेरे पास ही है और इसको मैं अच्छे से वो ये राइड भी कर चुका हूँ। और अभी यार दोपहर का टाइम है और अभी ना थोड़ा सारा ये चीज़ है कि समर आने वाली है, ठीक है, क्योंकि विंटर सभी यार ख़त्म हो रही है। और बट ये जैकेट यू नो वो ये लगाना पड़ता है वो ये राइड करते समय। बट द थिंग इज़ दैट कि इस बाइक के कुछ यार सिनेमैट्स वगैरह देख लो फिर हम चलते हैं आगे। और आज का व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। और अभी मिलते हैं सीधा आगे राइड पर। बाइक को लेकर मैं निकल चुका हूँ सीधा, अभी हाईवे पे हूँ सीधा पठानकोट। और जो कि यही रोड जाती है सीधा है वो यार आगे हिमाचल में। और अभी मैं फिलहाल इसी हाईवे पे हूँ और आगे मैं रुकूंगा। इस बाइक का ना एक बार आपको अच्छे से लुक बताऊंगा। एक दो इसके बीच भाई ने ना मॉडिफिकेशन करवाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट द थिंग इज डैट कि ये बाइक ना मेरे साथ पूरी पूरी वो यार जच रही है क्योंकि ये बाइक भी R15M एडिशन ही है। और यहाँ पर मैं एक मिनट रुकता हूँ, आपको इस बाइक की ना एक दो मैं यार चीज़ें दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। इसका पीछे से लुक ना इस बाइक की ना कुछ यार इस तरह की आती है। वो यार टेल टैडी वो यार भाई ने उतारी हुई है। बट ये नीचे यार फोल्डेबल लगाई है, नंबर प्लेट देखो एकदम फोल्ड होगी और यहाँ से यहाँ पे आ गई क्योंकि इसके भी मैग्नेट होते हैं, ये पूरी फोल्डेबल हो जाती है। और पीछे वाले इंडिकेटर कुछ यार इस तरह के हैं और यार बाइक के साथ ना पूरे पूरे मैचिंग है, ठीक है, ब्लू टोन में। और पीछे वाला टायर कुछ इस तरह का है। बट द थिंग इज डैट के ये जो ये वाला नाम है ना कौन सा, अच्छा मॉन्स्टर गाइस मॉन्स्टर, ठीक है ना, ये यार मेरे साथ पूरा पूरा मैच कर रहा है। ABS में आती है ये बाइक। और ये है यार बाइक का चैनल, बाइक को जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, प्यार दिखाओ ताकि भाई अपना खुश हो जाए। और ये बाइक ना मेरे पास वो यार कल से है। बाइक को मैंने बोला कि मेरे को बाइक चाहिए क्योंकि मेरे को RPM जाना था। और RPM जो अपने गुरजीत भाई है उनको भी नहीं पता सीरियसली, और उनका भी रिएक्शन लेते हैं और अभी लेकर निकलते हैं। और इस बाइक में ना एक चीज़ और भी है, वो है यार क्विक शिफ्टर। अभी बताते हैं वो क्या होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता। तो अभी चलते हैं, इसको इसकी थोड़ी सी स्पीड चेक भी करेंगे। बट कुछ यार इस तरह का इसका स्विच आता है यहाँ से ऑन और यहाँ से ये इसका फ्लैशर जो कि हैजर्ड वो ये लाइट होती है वो ऑन हो जाती है यहाँ से। और अभी देखना मैं आपको इसका ना क्विक शिफ्टर बताता हूँ कि वो यार कैसे वर्क करता है। लेट्स सी, थोड़ा सा ट्रैफिक ना क्लियर होने देते हैं। सो फाइनली गाइस ट्रैफिक हो चुका है क्लियर एंड फर्स्ट गियर अभी फिलहाल, अभी देखना ना फर्स्ट गियर है ना, देखना मैं इसका वो ये क्लच भी नहीं पकड़ूंगा और इसका थ्रोटल भी नहीं मैं छोड़ूंगा। देखना सेकंड, देखना क्विक शिफ्टर
और भाई इसको राइड करते हुए जो मजा और जो फन है ना, वो अभी सीरियसली मेरे को ही पता है। इससे पहले ना मैंने ऐसी बाइक राइड नहीं की है, बट जो यार यामाहा की ये बाइक है ना, सीरियसली यामाहा हमेशा बहुत अच्छा काम करती है अपने इंजन को लेकर। और यार काफ़ी सारी चीज़ों की इंप्रूवमेंट होती है, इनकी स्मूथनेस, जो इस बाइक की स्मूथनेस है ना, और जो एवरेज है भाई, सीरियसली किलर। और अभी इसके आगे वाले फ्रंट देखो मिरर बंद है, जो कि ये वाले मिरर है, अभी हम इनको खोल देते हैं। और इनको खोल के कुछ लुक यार इस तरह की आती है, एकदम अब्रॉड सी बाइक हो जाती है। और ये वैसे खोल के ही चलना चाहिए, क्योंकि ये ना ऐसे ही मेरे को दी थी भाई ने, और मैंने भी इसको खोला नहीं है। बट द थिंग इज डैट इसका जो यार क्विक शिफ्ट है, देखना अभी देखना डोंट शिफ्ट, देखना इसकी, देखा डोंट शिफ्ट भाई, इसका जो यार क्विक शिफ्टर काम करता है ना, वो बहुत ही क्रेजी है सीरियसली। फोर्थ गियर में देखते हैं कितना जाती है ये, 110, 13, 14, 160 तक फोर्थ गियर में है। एंड उसके बाद ना बाइक पूरा हो चुकी थी लैग करना, बट यार क्या मज़ा आता है, इतनी स्मूथ बाइक है ना ये, इतनी स्मूथ बाइक है। और बट ये सिर्फ ना एक ही बंदे के लिए, पीछे वाला बंदा ना पूरा थक जाता है इसके ऊपर बैठ के। ओ भाई, और आज मेरी एक सरप्राइज विजिट होने वाली है अपनी यार गुरजीत भाई के साथ। उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल भी नहीं पता। उनको मैंने ना सुबह कॉल की है कि गुरजीत भाई क्या हाल है, क्या कुछ प्लान है, बोलते यार सब कुछ बढ़िया, तू बता क्या कुछ चल रहा है घर में। मेरे वाला सब कुछ ओके है, एकदम बढ़िया, मस्त कंडीशन में। बट उनको ये नहीं पता कि उनका भाई यहाँ आया हुआ है और सरप्राइज उनको देने वाला है। बट हैर चलो कोई ना, ये चेक करें आप, अभी देखना आप इसका ना क्यूक शिफ्टर, मैं आपको एक बार ना फिर से यहाँ पे ना रुक कर मैं बताता हूँ आपको क्यूक शिफ्टर ना कैसे काम करता है। पूरा हम रुक जाते हैं, फर्स्ट गियर डालेंगे बाइक में और फिर हम इसको धीरे से खींचेंगे। ये गाइस पड़ चुका है ना अभी, जस्ट बाइक देखो रुक चुका हूँ मैं पूरा, ठीक है ना, रुक चुका हूँ, ट्रैफिक नहीं है, तो अभी चलते हैं। देखना अभी फर्स्ट गियर है ना, देखना मैं यार थ्रोटल भी नहीं छोड़ूंगा और इसका क्लच भी नहीं पकड़ना, देखना ये देखो थ्रोटल भी पूरा और ये देखो क्लच भी नहीं पकड़ा, ठीक है ना। ये मज़ा है यार इसका ना, बंदा थकता ही नहीं है यार, बस एक जगह हाथ बस वो ये टिका के रखो और बस खींचते चलो जितना आप हो सकते हैं। और गाइज सीरियसली आप लोगों का इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतने सारे बंदों ने मेरे को मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे, मेरे को कॉल भी आई और छोड़ के कि भाई आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। एक्चुअल में गाइज घर में कुछ यू नो के घर में जाके टाइम ही नहीं मिलता यार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दिक्कत, तो उसी रीज़न में ना मेरे से मतलब टाइम ही नहीं निकला व्लॉग के लिए यार। और साथ में घर पे बंदा क्या बनाए यार, कुछ चीज़ मिलती नहीं है। और अभी ना जिस चीज़ के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ उसी के लिए मैं गुरजीत भाई के पास जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट या डिस्कशन है। एक्चुअल में आप लोग भी सोचते होंगे कि जनवरी में कोई सरप्राइज़ आने वाला था, वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि गाइज ये जो सरप्राइज़ है ये यार इतने ईजी नहीं होते हैं लाने। एक जो मिडिल क्लास बनता है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको एक अच्छी चीज़ मिले और एक वो या जनरल चीज़ मिले। और उसी चक्कर में अभी तक मैं इसी यार चक्कर में हूँ कि मेरे को कोई एक अच्छी चीज़ अगर मिल जाती। और एक सबसे मेन क्या होती है गाइस, लक्ष्मी, ठीक है, अगर ना आपके पास अच्छी खासी लक्ष्मी है ना तो फिर आप ना जो जो कुछ मर्जी चाहो ले सकते हो। बट अभी मेरे पास, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, बस आप लोग मेरे को प्यार दिखाओ ताकि हम लोग ना अपने मनी से भी ले सकें बाइक। बट फिर भी ना आप लोगों का सीरियसली बहुत सपोर्ट है। और आज अप्रोक्स या 20 डेज के बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है यार। बट शुरू से शुरुआत से ना मेरे को ना काफ़ी शर्म सी आ रही थी, पता नहीं क्यों, बट अभी फ़िलहाल ठीक हो चुका है। सो अभी हम यहाँ से लेते हैं राइट साइड की तरफ टर्न, सीधा आरपीएम वाली साइड। सो अभी हम चलते हैं सीधा आरपीएम में, मिलते हैं आपको। ओ भाई ये ट्रैफिक 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 ऐसा क्यों होता है हर बार मेरे साथ। फाइनली वो यार बातों बातों के साथ ही आ चुके अभी हम आरपीएम में, और पीछे गाड़ी तो फिलहाल है नहीं है, और चलते हैं। आते साथ हमें दिख चुकी है यहाँ पे निंजा 1000, और अपने गुरजीत भाई अंदर फ़ोन पे बिजी है, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि मुशरफ आ सकता है आज, ठीक है। सत श्री अकाल पाजी, देखा सरप्राइज दे दिया ना आपको। और अच्छा कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा। अभी अभी मैंने फ़ोन किया था, ऐसे बात की कि मैंने घर पे हूँ और आप भी नहीं नोटिस कर सके कि ये बंदा है कहाँ, सही बात है नहीं? आप मतलब कहीं और थे, बट है चलो कोई ना। और बताओ, बढ़िया है? और सूरज भाई, और आज मैं लगभग ये जो है ना 1 मंथ के बाद आपके पास आ रहा हूँ, 1 मंथ नहीं मतलब 20 दिन हो जो ना हो चुके हैं, 20 दिन, 24 दिन हो चुके हैं। देखा गाइस, देखो गुरजीत भाई ने एक एक दिन का हिसाब रखा हुआ है। चलो कोई ना, ये प्यार है अपना। और अभी फ़िलहाल
थोड़ी देर अभी हम यहाँ पे बैठते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट का प्लान क्या बनता है अपना। तो चलो गाइज, वो यार काफ़ी टाइम आरपीएम में यार बैठने के बाद और यार काफ़ी सारी मैंने बातचीत की आज गुरजीत भाई के साथ, और अभी वो भी जा चुके हैं यहाँ से, और धूल मिट्टी इतनी है कि जैकेट यार पूरा गंदा हो जाता है। बट खैर चलो कोई ना, और अभी हम जा रहे हैं अपने स्टीफन भाई से मिलने, बाइक एक्चुअल में आज मैंने उनको देनी है। और सो चलते हैं अभी हम यहाँ से सीधा आगे अमन भाई की शॉप वाली साइड, और देखते हैं फिर क्या होता है, लेट्स सी। और ब्रेकिंग इतनी अच्छी है इस बाइक की, बहुत प्यारी सी ब्रेकिंग है। और अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि काफी मतलब फन मजा कर लिया। एक ये वाली फीगो फोर्ड चल रही है और धुआं देखो गाड़ी का, दिस इज नॉट अ गुड शो। सीरियसली इतना धुआं आ रहा था, इतनी स्मेल थी ना इसके धुएं की, मतलब आंखों में लगता था सीधा, खतरनाक ही था। बट अभी हमने लेना है यहाँ से ना राइट वाली साइड टर्न, और फिर हमने चलना है यहाँ से आगे। सो फाइनली गाइस, अपने स्टीफन भाई इतनी खोज के बाद, इतना ढूंढा आपको, इतना ढूंढा भैया आपको, yes. कि तुमको मैं क्या बताएं यार, न्यू शू। अरे ये पता 200 के शूज हैं, ज्यादा महंगे है नहीं है। अरे भाई ये आते इतने के इधर आके पैसे ज्यादा बढ़ते, यहाँ आके पैसे ज्यादा बढ़ते जब हम इसको शूज के साथ अपने पांव के साथ लगाते हैं ना, तब पैसे बढ़ते। और बताओ, काफी दिनों के बाद हम आपसे मिले, आप हमारे मालिक हो, मालिक। और बताओ भाई, ये तुम अरे अरे सर, अब चलो चले कहीं, कहाँ चलना है बताओ, आओ चलते हैं कहीं फिर। ओ भाई स्प्लेंडर की मिली भाई साहब, ऋतिक भाई अपनी। सो गाइस अभी हम जस्ट निकल रहे थे और अपने ऋतिक भाई मिल चुके हैं स्प्लेंडर लेके, और मिली देख लो। अरे भाई साहब क्या मिली गाइस, मिली चेक करो आप स्प्लेंडर। गाइस इवनिंग का टाइम हो चुका है, अपने रूम के आसपास अगल बगल में बस थोड़ा सा ऊपर मैंने जाना है, और ये बाइक ना आज ना वो यार जिस बंदे की है तो उसको आज मैं दे रहा हूँ वापस। और इस व्लॉग को मैं ना फिलहाल यहीं तक ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग ना यहीं से ही शुरू किया था और यहीं पे आके एंड करते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर नया तो जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट डाउन गाइस, कमेंट डाउन ठीक है। तो फिर देखो फिर आगे क्या क्या होता है, बाकी फिलहाल इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही बड़ी सब व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।